fate male. बहुत ही दुखद घटना हुई है हमारे खोनो प्रखंड के डहुआ गांव में। एक ही परिवार के दो, एक चाची और एक भतीजी, एक वंदना कुमारी और एक चेताली देवी, हाथी से हाथी एक हाथी जो है पिछले कई दिनों से देवघर जिला में आतंक मचाए हुए हैं। और आज दोनों नदी से आ रही थी, इसी बीच में एक हाथी जो है दोनों पर अटैक करके स्पॉट पर ही दोनों की मौत हो गई हाथी के अटैक से। और अभी त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने जिला के DFO से बात किया, जिला के उपायुक्त से बात किया और हमारे रेंज ऑफिसर के माध्यम से हमारे बंदरछी यहाँ पहुँचे हैं। हमारे थाना प्रभारी और सभी अधिकारी ने पहुँच कर अभी जिस तरह से DFO से हमने कमिटमेंट कराया, 1,00,000 रुपया अभी नकद दोनों के मृतक के परिजन को बंदरछी के माध्यम से और DFO के माध्यम से हमने देने का काम किया है और पोस्टमार्टम के लिए भी भेज रहे हैं। और पोस्टमार्टम के बाद 3,00,000 रुपया इनके परिजन के खाते में हम लोग भिजवाने का काम इमीडिएट करेंगे, एक हफ्ता के भीतर दिलाने का काम करेंगे। जो घटना घटी है बहुत दुखद है, मृतक परिवार जन से हम लोग को काफ़ी सहानुभूति है। और हमने अभी DFO को कहा है और प्रशासन को भी कहा है कि भैया कम से कम हाथी के पीछे पूरी टीम, एक बाहर 10-10 टीम वहाँ से मंगाई जाए। और टीम का ऑर्डर से टीम चल चुकी है, मसलिया से टीम ऑर्डर भी हो चुका है, टीम आ भी रही है और पूरी टीम हाथी के साथ चलेगा जहाँ भी हाथी जा रहा होगा पीछे, ताकि कोई भी इस तरह की और आगे कोई इस तरह की घटना न हो। ये घटना जो घट गई है बहुत दुखद है, आगे इस तरह की घटना न हो इसके लिए प्रशासन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने अलर्ट करने का काम किया है।